just saw you here having our food there, so like we saw you running, so like we thought we should meet you. Where are you? We are from Mathura. Good afternoon, subscribers. बाइक आज ही सर्विस होकर आई है, दोनों इंटरसेप्टर 650 भी और चीता इंटू से निंजा भी। तो जब हम लोग सर्विस पर से वापस आ रहे थे, जब प्लान करा है धर्मशाला जाने का, तो अभी सिद्धांत को कॉल करा था, उसने बोला मेरे को 5 मिनट दो। मैंने कहा 5 मिनट की जगह तेरे को हाफ एन आवर देता हूँ, जब तक मैं सर्विस सेंटर से अपने घर पहुँच रहा हूँ जब तक का तेरे पास टाइम है, तो प्लीज़ हाँ या ना में ही बोलना है, उसके अलावा कुछ मत बोलियो। कहता ठीक है ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो अभी हम लोग पहले जाने वाले हैं नोएडा, अगर सिद्धांत हाँ बोलता है तो। शाम के 6 बजे या 6:30 बजे वील बी लीविंग फॉर नोएडा, क्योंकि बहुत लेट होगी और आज का दिन बहुत मतलब बहुत थकान वाला दिन होता है ना, हो गया है। तो बस 1 घंटा है हम लोगों के पास बैग पैक करने को, और सबसे पहला रूट लेने वाले हम लोग एक्सप्रेस हाईवे का यहाँ से नोएडा तक के लिए। बैग्स हो गए हैं पैक, टायर रोप से और बंजी कॉर्ड से सब प्रिपरेशन कर ली है, बाइक पूरी फिट एंड फिट है। सिद्धांत का कॉल आ गया है, वो जा रहा है, और ये सबसे बेस्ट न्यूज है क्योंकि हम और भी लोग जाने वाले थे पर सबने मना कर दिया एक एक करके कि भाई मैं नहीं जा रहा, भाई मेरे घर पर ये है, भाई मेरे घर पर सौ बहाने रहते हैं ना जाने वालों के। सो मैं, मेरे मामा और सिद्धांत हमें मिलने वाला है नोएडा से। सो टू बाइकर्स फ्रॉम हियर जो कि तगड़े हैं, मैं निंजा 300 से, मामा इंटरसेप्टर 650 से, और सबसे बढ़िया बात है एक्सप्रेस हाईवे पर इन्हीं बाइक्स की जरूरत है। अगर मान के चलो सिद्धांत होता ना इधर तो वो बोर हो जाता, क्योंकि यार एक्सप्रेस हाईवे पता है ना बहुत बोरियत होता है, और यहाँ से नोएडा जाना और आपके पास दो अच्छी अच्छी बाइक्स हो तो आप कहाँ तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो उनके साथ। तो सिद्धांत भी अपनी बाइक की सर्विस करवा रहा है अभी क्योंकि वो ऑफिस था, और चलो पहुँच के करते हैं नोएडा ऑफिस से अपना प्रोग्राम चालू, क्योंकि मेरे को पता है हम काफ़ी लेट होने वाले हैं, क्योंकि वो अभी ऑफिस से निकला है और मेरे हिसाब से जितने टाइम में वो ऑफिस से रूम पर पहुँचेगा उतना ही टाइम मेरे को और मामा को लगेगा यहाँ से वहाँ पहुँचने में, क्योंकि जाम बहुत रहता है नोएडा दिल्ली में। तो लेट्स कंटिन्यू आवर राइड फ्रॉम हियर टू दिल्ली नोएडा व्हाटएवर। ओके फ्रेंड्स, सिद्धांत को ले लिया है हमने और फ्यूल अप करवा लिया है सारी बाइक्स में। अभी इसकी बुलेट में टाइम लग गया सर्विस होने में, क्योंकि मतलब जो इसका इसने पता है क्या करी थी, वॉश करवा ली थी, तो जो प्लग्स वगैरह हैं वहाँ पर पानी चले गए थे, तो बुलेट स्टार्ट होने में बहुत टाइम ले रही थी। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इज़ मैं लीड करूँगा, और हम लोगों को टाइम इसलिए भी लगा, हम रूट मैप डिसाइड कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर्स क्लोज पड़े हुए हैं, दिल्ली पंजाब वाला जो मतलब इधर हरियाणा वाला जो बॉर्डर है इस साइड से, तो वो बॉर्डर्स टोटली बंद पड़े हैं, तो हम भी नहीं चाहते वहाँ पर हम ट्रैफिक में फंसें, क्योंकि कल ही एक हार्ली डेविडसन ग्रुप के मतलब जो हमारे ही फ्रेंड हैं उनके ग्रुप में से एक की बाइक वहाँ सीज हो गई है हीट होके। तो अभी प्लान करा है कि हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे यूज़ करेंगे।
और फ्यूल अप हो गया है, मैं लीड करने वाला हूँ। सिद्धांत को हमने प्लान करा है कि बीच में रखेंगे अपने, क्योंकि उसकी बाइक इतनी सुपर फास्ट नहीं है कि वो मतलब थ्रोटल लेके और हम लोगों को एक साथ से कैच भी कर सके। तो इसका भी अपना YouTube चैनल है द लॉस्ट सेड करके सिद्धांत का, तो मज़ा आने वाला है भाई इस राइड पर। रात के बज गए हैं 11 और हम निकल रहे हैं यहाँ से। देखो कितना टाइम लगता है, कहाँ तक डेस्टिनेशन कवर हो पाती है, क्योंकि सुबह के थके हुए हैं और फिर भी सोच रहे हैं जितना हो सके उतना ज़्यादा प्लेन रोड हम लोग कवर कर लें। अभी दूसरी चीज़ ये है, फिर से वही हाईवे, पेरिफेरल हाईवे, उस पर बम्प्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी बहुत परेशान करेगा। जैसे ही हम लोग एक बार इस पे लुधियाना वाला अमृतसर जो भी चंडीगढ़ जो भी हाईवे जा रहा है उस पर पहुंच जाएंगे, फिर बाइक खींचने में अलग ही मज़ा आने वाला है। और हमें पहले ही वो जो हार्ले डेविडसन ग्रुप है उन्होंने बता दिया है कि किस ढाबे पर रुकना है। बोला अमृत सुखदेव पर मत रुकना या फिर गरम धरम पर मत रुकना, उससे पहले एक ढाबा है, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, और मतलब मामा या सिद्धांत को याद होगा, तो उन्होंने उस पर रुकने को बोला है। वहाँ का खाना बोल रहे बहुत टेस्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टी है वहाँ की ज़्यादा से, तो वो भी वीडियो मैं देखो आपको वहाँ पहुँच के भली मतलब पूरी वीडियो बना पाऊँ ना बना पाऊँ, पर एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा कि हमें रुकना किधर है। हेलो एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है, पार्टी अभी बाकी है। तो पार्टी हमारी ओवर हो गई है, 4 बज गए हैं और थक बहुत रहे हैं, नहीं चलाई जा रही है बाइक किसी पर भी, क्योंकि सिद्धांत के पास हेलमेट भी नहीं है, हाफ फेस हेलमेट है। तो करनाल पहुंच गए हम लोग, अभी करनाल स्टे करने वाले हैं और सुबह प्रोग्राम बना है कि 8 बजे हम लोग निकल जाएंगे, पर आई एम नॉट श्योर कि ये हो पाएगा क्योंकि इंटरसेप्टर चोरी हो गई थी, मतलब हमारे मतलब ये हो गया था दिवाली से पहले,
तो चोरों ने क्या करा था, वो जो टैंक टैंक होता है, टैंक की सील कट गई है, तो उसकी वजह से वो फ्यूल ज़्यादा ले रही है। तो अभी देखो, अभी रात में सोते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं कितने देर की प्रॉपर नींद हम लोग ले पा रहे हैं। आफ्टर देन वी विल डिसाइड टू गो।